गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको एनर्जी बैंड गैप किसी सेमीकंडक्टर का एक पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हुए निकालने वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन एनर्जी बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर यूजिंग ए पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें जो एपरेटस यूज होने हैं उनको आप सुन लीजिए। एक पैनल होगा जस्ट लाइक एक डिब्बा, और उसमें एक फिट होगा, ए पैनल फिटेड विद ए पीएन जंक्शन डायोड। टेम्परेचर कंट्रोल इलेक्ट्रिक ओवन, एक इलेक्ट्रिक ओवन जैसा कि फिगर में बनाया गया है, एक हमने ओवन का एक सिंबल बना दिया है और उसमें आपके हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है और उसके दो टर्मिनल बाहर हैं और इसको पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाएगा तो ये हीट होने लगेगा। इसी डायोड के साथ एक हम थर्मोमीटर लगाएंगे। थर्मोमीटर ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए इसकी साइड पर लगा होगा और इस तरीके से थर्मोमीटर लगा हुआ है, इसे हम टेम्परेचर मल्टी थर्मोमीटर है इसको मेजर करें। इस डायोड को से करंट फ्लो कराने के लिए हमने उसके बयासी के लिए पावर सप्लाई से जोड़ रखा है और इससे फ्लो होने वाली करंट एक माइक्रोमीटर से यहाँ पर मेजर की जाएगी। हमने इसके क्रॉस वोल्टेज क्या लगाया है यहाँ पे पढ़ने के लिए हम वोल्ट मीटर भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये सब एक पैनल में फिट होगा। तो थर्मोमीटर हो गया, एक माइक्रोमीटर हो गया, एक वोल्ट मीटर हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल ओवन में एक पीएन जंक्शन डायोड को फिट किया हुआ है। ये इसकी सिचुएशन है इस एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसका जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसको स्टडी किया जाएगा। हमने आपको मैनुअल दिया है, पिछले किसी साल के किसी अच्छे बच्चे की कॉपी है, उससे हमने दिया हुआ है। बच्चे ने लिखा है, आइडियल इसको ना माने, अपनी भी ब्रेन लगाएं और इस एक्सपेरिमेंट को करें, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके लिए हम जब हम इसमें आएंगे लैब में तो ये जो कनेक्शन अगर नहीं किए हुए हैं तो इन कनेक्शंस को कर लिया जाएगा। हालांकि हम जो नेक्स्ट आपका जो टुमारो वीडियो होगा वहाँ हम उसके लिए हम लैब में जाएंगे और जो भी पैनल है उस पर हम उसको अपने कैमरे को फिक्स करेंगे और सर्किट लगा के रीडिंग कैसे, मतलब उसको ऑन करने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा फिर हम उसकी रीडिंग नोट करेंगे। आपको फिगर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक यू कैन इमेजिन देयर इज ए बॉक्स नोमा ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन जो कि मतलब सॉकेट में जैसे लगाएंगे उसको सप्लाई से जोड़ देंगे तो वो हीट होना शुरू हो जाएगी। हमें थर्मोमीटर जो उसमें फिट कर रखा है उस थर्मोमीटर पर नज़र दौड़ानी है कि जब ये 68 टेम्परेचर हो जाए वैसे ही इस ओवन का एक स्विच लगा होगा उसी में पैनल में, उस स्विच को हम ऑफ कर देते हैं। जब वो स्विच ऑफ हो जाएगा उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद सेटल होने के बाद फिर वो ठंडा होना शुरू किया होगा। जैसे ही उसका कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी आप ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे आपको हालांकि वो दिया है लेकिन मैं यहाँ भी वीडियो में भी रिकॉर्ड करना सिखाने के लिए हम उस टेबल को यहाँ बनाते हैं और उस टेबल में हमको क्या क्या कॉलम लिखने हैं, कॉलम बनाने हैं वो सब का। ये टेबल है ऑब्जर्वेशन की
इसमें इस बच्चे ने करीब 16 रीडिंग ली है, अभी इसी तरीके से लेंगे। ये सीरियल नंबर हो गया। अब जो चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं उस बच्चे ने नहीं अगर लिखा है तो आपको लिखना है टेम्परेचर ऑफ द डायोड। ये किसका है टेम्परेचर? डायोड का ही है, टेम्परेचर तो लिखा हुआ है इसमें, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द डायोड, डायोड का ही टेम्परेचर को हम कर यूज कर देंगे। ये जो थर्मामीटर रिकॉर्ड करेगा इन डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और इसको के में जोड़ना है, यानी सी प्लस 273 करके आपको रीडिंग सिर्फ यही लेनी है। 1, 2, 3 16 ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें, बीच भर में कट मार दिया है। और अब की बात जो हमने मैनुअल दिया है उसमें एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं। जब हमारा 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो 70 से हमने सेटल हो गया, हमने नोट कर लिया है। फिर 2 डिग्री के डिफरेंस से 68, 66, 64 up to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको लौटना है, ठीक है। अब जब इसमें 273 ऐड करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट नहीं है, इसमें 273 ऐड करेंगे 343 के, ये के हो गया। इसी तरीके से ये 341 के, मानी 2 के से घटते हुए ये आता है 313 के। ये इस तरीके से टेबल में रीडिंग मिल जाएगी। इसके बाद जो ये भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये 1/T हमको नोट करना है। ये जो टेम्परेचर आया है इसको आप 1/343 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, जैसे कि इन्होंने कैलकुलेट करी है, इनटू 10^-3 भी कर देंगे क्योंकि ये बड़ी नंबर है, 0.000 में आएगी, तो हमने इसकी वैल्यू 2 डिजिट में इसकी 2.91 इंटू 10^-3 आई हुई है। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे जैसे ये वैल्यू कम होगी ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये 2.93 कैलकुलेट करके जो भी आई होगी आप भी कैलकुलेट करके देखिए। और जो करेंट फ्लो करती है वो करेंट माइक्रो एम्पियर में, ये डायोड से होकर जो करेंट फ्लो करेगी, करेंट इन माइक्रो एम्पियर, ये डायोड करंट की कर लेते हैं, सीधे करंट के लिए आपने ये हम यहाँ पे लिखेंगे। माइक्रो का मतलब 10^-6 लिखा हुआ है। अब जब इसमें 2 रीडिंग लेनी है, एक ये रीडिंग लेनी है और एक ये रीडिंग लेनी है, ये सीरियल नंबर पहले से आप लिख लेंगे, टेम्परेचर आपने लिख लिया है, ऑब्जर्वेशन लेते समय सिर्फ ये रीडिंग का ध्यान लेना है। जब ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा माइक्रो एम्पियर में जो भी करंट होगी, इस कॉपी में जो भी लिखी है वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन जब आप जो मैनुअल में जो लिखा है वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे लैब में 2-3 सेट हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी सी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आ रही हो, प्रैक्टिकल करते समय आपको स्वयं उसमें ऑब्जर्वेशन लेनी होगी। तो अब आपने माइक्रो एम्पियर में ये मतलब आपको ये कॉलम और ये कॉलम करेंट सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन लेनी है। एक बार आपने सर्किट जोड़ लिया है, इलेक्ट्रिक ओवन को हीट करना शुरू कर दिया है, थर्मोमीटर पे हमें नज़र रखनी है, जैसे ही 65-66 हुआ वैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, क्योंकि हीटिंग की जो टेंडेंसी है थर्मोमीटर के साथ जुड़ी हुई वो उससे वो हीट होके 70 तक लगभग पहुंच जाएगा। 72 पहुंच जाए तो 72 से शुरू कर दीजिए, और 72 पहुंच भी गया है उस ऑब्जर्वेशन को आप छोड़ सकते हैं। आपने छोड़ दिया, 70 से आपने रिकॉर्ड कर लिया, हमें उतने जितने रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए वो मिल जाएंगे। तो आपने 70 डिग्री सेल्सियस यहाँ जो भी करंट आई वो नोट करी, जब 68 हुआ वेरी होके करंट आएगी हमने नोट किया। लगातार जिस टेम्परेचर और करंट बस ये ऑब्जर्वेशन लैब में नोट करी जाएंगे, आप इसमें लिखते चले जाएंगे। उसके बाद जैसे कि टेम्परेचर वाले केस में हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, उसके बाद 1000 upon T^2-3 लिखा, ये के इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी, इस तरीके से आप लिखेंगे। ये करंट आई, इसको आई एस कहते हैं, जो सेचुरेशन करंट है उस टेम्परेचर पे,
फिर हमने आईएस नोट कर दिया है, और उसके बाद ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसका आपको लॉग देख के, लॉग जो भी आईएस आई है इसका लॉग लेके जो भी वैल्यूज आएंगी उनको आप ये कैलकुलेशन करेंगे। रीडिंग सिर्फ आपको ये लेनी है और ये लेनी है। सीरियल नंबर पहले से भरा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही आपका टेम्परेचर 70 हुआ, आपने करेस्पॉन्डिंग जो करेंट माइक्रोएम्पियर में दिखाई दे रही थी उसको रिकॉर्ड किया। फिर जैसे ही 68 हुआ, 68 डिग्री सेल्सियस हुआ टेम्परेचर, हमने फिर रिकॉर्ड किया। 66 हुआ, फिर रिकॉर्ड किया। कंटिन्यूसली जो भी 10-15 20 मिनट 50-30 मिनट जितना भी टाइम लगता है उसको कूलिंग में, उतनी देर तक 40 डिग्री 70 से 40 डिग्री तक आने में जो भी टेम्परेचर टाइम लगता है आप नोट करते जाएंगे। ये तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जानते हैं कि स्टार्टिंग में 70 से 68 होने में कम टाइम लगेगा, और उसके बाद 68 से 60 में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और जैसे जैसे रूम टेम्परेचर के पास आएगा उसका कूलिंग रेट कम होता जाएगा, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। शुरुआत में कम टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ने लगेगा, बढ़ता जाएगा, और हम उसके करेस्पॉन्डिंग करेंट नोट करते जाएंगे। जो हमें और एक्स्ट्रा काम करना है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, या उस गैप में कर सकते हैं कि जब 70 से 68 हो रहा है तब हम करें। हालांकि शुरुआत में आप ये कन्वर्जन करें या ना करें, फिर बाद में इतना टाइम होगा कि उस बीच में आप ये कर सकते हैं। करेंट आपने नोट की है, ये 10^-3/t, ये यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे। ये लॉग की वैल्यू भी आप निकालेंगे, लॉग के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। अगर हम लोग कर सके, चूँकि जिस हिसाब का ईयर चल रहा है हो सकता है कैलकुलेटर अलाउ हो जाए, लेकिन अभी से हम कमिट नहीं कर सकते। तो जब ये ऑब्जर्वेशन आपकी हो गई तो अब आपको क्या करना है कि हमको इनके बीच ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ये लेना है एक एक्सिस पे और एक एक्सिस पे ये लेना है। ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगी ग्राफ प्लॉट करते समय, ये वाई एक्सिस पे आएगी। आपको ग्राफ भी हमने प्रोवाइड कराया है, अगर आपने टेबल समझ ली है तो मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन चूँकि रिस्पॉन्स देने के लिए आप हमारे सामने नहीं हैं, ये लाइव वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपके अब्सेंस में बनाया जा रहा है, तो हम एक बार और रिपीट करते हैं कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना है, जो कि एक्सपेरिमेंट का सीधे सीधे करते समय पार्ट नहीं है। एक बार आपने जान लिया ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है, इसका ऑब्जेक्ट ये होता है, इसमें एक इमेजिनेशन लेके हमेशा फिजिक्स वाला स्टूडेंट चलता है। जो हमें लिखा हुआ मैनुअल मिला यू कैन इमेजिन, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो जो इमेजिन आपका किया हुआ पैनल है वो आपके सब सामने होगा, और उसके जो कनेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है वो हम कनेक्शन करते हुए दिखाएंगे। जहाँ तक ऑब्जर्वेशन की बात है, आपको मात्र दो ऑब्जर्वेशन लेने हैं, एक थर्मोमीटर से टेम्परेचर का और वोल्टमीटर का, तो वहाँ पे कितने वोल्ट आपने लगाया है, कितनी उसकी बायसिंग वोल्टेज दी है, वो हम ऊपर जो टेबल के ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं, जैसे कि लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, इसके साथ साथ आप वो जो हमने कहा था बायसिंग वोल्टेज कौन है, तो बायसिंग वोल्टेज भी आप ऊपर लिखेंगे। हम दो ऑब्जर्वेशंस भी करा सकते हैं कि लॉग करेंट में बायसिंग वोल्टेज 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट, हम बहुत सारे सेट भी कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब का टाइम है हम एक ही किसी पर्टिकुलर जो हमारा फेवरेबल है उस वोल्टेज पे, बायसिंग वोल्टेज पे हम उसको ऑब्जर्वेशन ले पाए। तो आपको जैसे ही ये सेटअप हुआ, हमने ओवन को हीट कर दिया, हीट करने के बाद 68-67 पे गया, वैसे ही हमने ऑफ कर दिया। आपकी नज़र थर्मोमीटर पे है, 70 हुआ या 72, बल्कि उससे प्लस ही जाना चाहिए, 68 तक आप हीट कर दीजिए, जाने दीजिए ऊपर तक, लेकिन जब ये डाउन होने जाएगा 72 से 70, जब 70 हो गया तो उस समय आपने करेंट नोट,
फिर उसके बाद उसका कूलिंग होना ही है ओवन ऑफ होने हो के ओवन ऑफ करने के बाद, तो 68 जैसे ही आया हमने 68 यहाँ रिकॉर्ड किया। बल्कि इनको तो आप पहले से ही रिकॉर्ड कर लेंगे, एक रीडिंग आपने नोट कर ली है, ये पहले से आपने रिकॉर्ड कर लिया, दो दो डिग्री के डिफरेंस में आपको रीडिंग नोट करनी है तो आपने इनको भी भर डाला पहले से ही, आपको रिकॉर्ड फाइनली सिर्फ ये सामने रह जाएगी ऑब्जर्वेशन आईएस। जैसे 70 आया आपका पहले से लिखा हुआ है, आपने उसकी करिस्पॉन्डिंग करेंट नोट कर दी जो भी आपके माइक्रोमीटर में दिखाई दिया। इसी तरीके से 60 जब 8 आया तो जो भी करेंट दिखाई दी हमने रिकॉर्ड कर दिया। 66 आया हमने यहाँ टेम्परेचर, जैसे ही 66 हुआ हमने करेंट यहाँ नोट कर ली, जैसे ही 64 हुआ फिर रिकॉर्ड कर ली, एंड इसी तरीके से आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है, और वो ग्राफ आप पहले प्लॉट करेंगे और फिर उसको फाइनली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हों, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। हमने वाई एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे 1/3 इंटू 10^-3 पहले ही से कॉमन वाला यहाँ पे लिख दिया है, ताकि यहाँ डिजिट्स में इन्होंने बीच में जीरो से शुरू नहीं किया, 2.92 वैल्यू थी और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 3.22 तक, जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं उसको हम एक अपने रेगुलर जो हमारा ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है, जितने आपको डिजिट्स यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं आपने लिख दिया, और इक्वली डिवाइड करके 2.9294969 इस तरीके से लिखते हुए आपने बना लिया। जहाँ पे आपका 2.94 आया था उसके करिस्पॉन्डिंग लॉग आईएस जो थी वो हमने यहाँ पे उसी के करिस्पॉन्डिंग यहाँ भी बना लिया था। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो वैल्यूज थी लॉग आईएस यहाँ पर लिख दिया है, जो भी हमने अभी फिलहाल हमारी पूरी यूनिट में लिखे दे रहे हैं। जैसे दूसरी रीडिंग आई, ये आई, ये आई, ये आई, जो भी आई एक ग्राफ में एक आपको लाइन मिलेगी, उस पॉइंट शूट सकते हैं आगे पीछे हैं। इन्होंने तीन लाइनें इसीलिए बनाई हैं कि हमने किन्हीं और तीन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक पॉइंट यहाँ पड़ गया था तो एक एक्सपेक्टेड लाइन उसने बना दी, एक पॉइंट यहाँ पड़ गया तो एक एक्सपेक्टेड लाइन यहाँ बना दी, और तीनों के जो स्लोप थे एक इस वाले का स्लोप भी निकाल दिया, इस पोलियो का भी स्लोप निकाल दिया और इस तीसरी वाली लाइन का भी स्लोप निकाल दिया। आपकी चॉइस पे है किस ढंग से निकालते हैं, और तीन स्लोप इसे निकाले कि कौन सी बेस्ट लाइन है हमें नहीं मालूम। हमारी जो बेस्ट पॉसिबल थ्री लाइन्स हमको बनते हुए दिखी थी, जरूरी नहीं कि आपको ये तीन लाइन बनानी पड़े, हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन से स्ट्रेट लाइन में एक ही बार में आ जाए तो आपको तीन का मीन नहीं निकालना पड़ेगा। अब इनको तीन का मीन लेना पड़ा था इसलिए इन्होंने लिया था, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस में काफ़ी वेरिएशंस थे, कहीं पॉइंट यहाँ पर जा रहा था कहीं ऊपर जा रहा था, इस तरीके से बना लिया था। और बनाने के बाद हमने तीन स्लोप दिखाई दिए, तीनों के हमने स्लोप निकाले। जो एनर्जी बैंड गैप है डेल्टा ई जी निकालने का, वो माइनस स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाय 5.036। और स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा होता है ये जो लाइन की जो स्केल के हिसाब से सेपरेशन होगा ये डिवाइडेड बाय दिस, इसी तरीके से ये वाला है तो दिस बाय दिस, जो भी लाइन सॉरी ये लाइन ही करती, इस तरीके से आपने स्लोप निकाल लिया। जो कैलकुलेशन किया ऑनेस्टली उस कैलकुलेशन से जो भी निकल के आया उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब कुछ बातें हम और भी ज़रूरी बताना चाहेंगे, जहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमको सिर्फ रिकॉर्ड जो ऑब्जर्वेशंस करनी है टेम्परेचर और करेंट की। टेम्परेचर आपने 72, 73 जो भी पहुंच गया उस समय हमने पहुंचने दिया,
उसके बाद जैसे ही उसकी कूलिंग स्टार्ट हुई, हमने कूलिंग का ध्यान दिया और जैसे ही 70 आया उसके करिस्पोंडिंग करेंट हमने नोट कर। ये जो 2 डिग्री के डिफरेंस से हमने कूलिंग में रीडिंग नोट करनी है, वो भी हमने पहले से ही नोट कर लिया था, 70, 68, 66, 64, 62, up to 40 degrees centigrade। आपको उस समय ऑब्जर्वेशन लेते समय लैब में सिर्फ करेंट पे ध्यान देना है। जैसे ही 70 आया उसके करिस्पोंडिंग करेंट दिखाई दे रही है, हमने नोट कर लिया। 68 आया तो 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो माइक्रोमीटर में करेंट दिखाई दी उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। 66 आया तब रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी करेंट आई उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। आप देख रहे हैं जो आपके पास टेबल है, उस टेबल में जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम हो रही है, मतलब करंट की वैल्यू। ये आप जानते भी हैं कि सेमीकंडक्टर में जो हीटिंग, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं और करंट बढ़ती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा था तब करंट ज़्यादा थी, जब टेम्परेचर कम था तब करंट कम थी। अब मैं कुछ मोटी सी बात जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर पूछना पसंद करता है, मोटी मोटी बातें जो फिजिक्स रटने वाले और फॉर्मुलेशन आपने थ्योरी में पढ़ा है, सबने पढ़ा, आपने भी पढ़ा है, सबने पढ़ाया भी है, लेकिन मैं एक बहुत ही बेसिक बात जो क्या कहते हैं सरल तरीके से समझने वाली है वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी बैंड गैप आप निकाल रहे हैं तो बैंड गैप क्या होता है या आपने भी पढ़ा है, मैं जस्ट अभी थोड़ा सा रिवाइज आपको करूँगा कि एक कंडक्शन बैंड होता है और दूसरा बैलेंस बैंड होता है। और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन बिटवीन दीज टू बैंड्स इज नोन एज बैंड गैप। ये भी आपने पढ़ा है कि जो हमारा वैलेंस बैंड होता है वो नीचे होता है, कहा जाता है कि माइनस इन्फिनिटी टू ई वी तक होता है। और इस तरीके से आप फिगर बना लेते हो ऐसे ही, सॉरी हाँ वैलेंस बैंड, और ऐसे ही आप एक कंडक्शन बैंड बना लेते हो और ये किसी इन्फिनिटी होता है। कंडक्शन की जो मिनिमम लोएस्ट लाइन बनी हुई है उसको हम लोग पीसी कहते हैं। और ये सेपरेशन जो है यही डेल्टा ईजी होता है और इसी को हम बैंड गैप बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। अब ये जो ऑर्डर वे में कहा जाता है वो सेमीकंडक्टर, और ये सेमीकंडक्टर वो आपको फर्स्ट पेज पे कुछ मटेरियल्स की जो बैंड गैप है वो दिखाई गई है। यू कैन सी 0.25, 2.1, 1.5 से लेके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो ये हम ऑर्डर वे में कहते हैं कि लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर होता है। जबकि मेटल्स के केस में इसमें ओवरलैपिंग हो जाती है ई सी ई वी, यहाँ कोई बैंड गैप नहीं होता है ना, और जीरो बैंड गैप होता है। और मेटल्स, और मेटल्स बैंड गैप इज जीरो। ठीक है, जहाँ तक इंसुलेटर्स की बात है, इंसुलेटर्स के केस में ये बैंड गैप काफी है।
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, अब ये है लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने जब मटेरियल टू मटेरियल डिफर करेगा 7 भी हो जाएगा, 6.6 भी हो जाएगा, 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऑर्डर के रूप में हमने जिसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा सेमीकंडक्टर्स के केस में, इंसुलेटर्स के केस में ये गैप ज़्यादा होता है, उसमें कंडक्शन डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा बैंड गैप का मतलब कंडक्शन डिफिकल्ट, कम बैंड गैप का मतलब है उसके तुलना में आसान है कंडक्शन, कोई बैंड गैप नहीं है बहुत आसान, एकदम आसान है कंडक्शन। अब मैं ये बताना चाहता हूँ सरल तरीके से एक बात कि ये जो सेमी कंडक्टर्स हैं या कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, ये बैंड बनता कैसे, रत्न वाले अंदाज में आपने पढ़ा है, एक मोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर चाहे कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मीनियम हो, कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, शेयरिंग है आपस में, शेयरिंग हो, ठीक है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ये तो हमने एक सिंबल के हिसाब से बना दिए हैं, एक ये और यहाँ लाइन बनाते चले जाएं, हम ये आप अच्छे से जानते हैं, बीएससी पार्ट वन में भी पढ़े हैं, आप ट्वेल्थ में भी पढ़े हैं, और हमें विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी ध्यान दोगे कि किस अंदाज से आप उसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब जो एक्चुअली आपने पढ़ा है कि अगर कोई आइसोलेटेड एटम फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन का है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, उनके एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, क्या होता है एनर्जी लेवल्स, और किन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इसके बाहरी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, तभी तो हम वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, तो उनके जो लेवल्स हैं वो एक लाइन से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, जैसे आप कहते हो 1s 2s 2p 3s वगैरह वगैरह, तो जो भी है वो एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है एनर्जी लेवल, कोई लाइन नहीं है, कोई बक्सा टाइप का नहीं बना हुआ। आइसोलेटेड एटम जो है fixed energy levels और कहीं के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी आप मान सकते हो, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अब एक एटम के बगल में दूसरा एटम उसको शेयर कर रहा है, तो क्या इनके बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, बॉन्डिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अब जो इसका एनर्जी लेवल है और इसका एनर्जी लेवल है, तो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन की वजह से ये एनर्जी लेवल में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, जैसे जैसे ये बॉन्डिंग में होंगे एनर्जी लेवल में फ्लक्चुएशन होगा, इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब कोई भी छोटे से छोटा पीस किसी सेमीकंडक्टर का या मेटल का या किसी का भी उठाओगे, एक दो की बात नहीं होती है, बहुत सारे एटम्स उसके पड़ोस में होते हैं, तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके इधर वाले के पास भी है, इधर वाले के पास भी है, और उसके नेक्स्ट नाइबर है उससे भी इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन जो भी है, एक आप कहीं भी किसी लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी विलेज में रह रहे हैं, तो व्यवहार चलता है, घरों घरों में व्यवहार चलता है, और चीज़ों का भी आदान प्रदान चलता है, पैसों का भी आदान प्रदान चलता है, मीन्स एनर्जी का, एनर्जी पैसा है, और ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, तो उनका आदान प्रदान चलता है। ऐसे ही अपना जो व्यवहारबाजी है उसकी वजह से उसके जो पास इलेक्ट्रॉन है वो दौड़ने घूमने वाले काम में है,
हिस्सा लेने वाले कौन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है एटम के। तो अब जैसे मान लिया 10 एटम्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, प्रभावित हुए, एक लाइन थी, वो लाइन अब फिक्स लाइन नहीं रह जाएगी, इसी को आप हम कह रहे हैं कि हमारे 1000 एटम्स के बीच में इंटरेक्शन है। अब 1000 लाइन अब फिक्स लाइन तो है नहीं, एक पर्टिकुलर रेंज में पहुंच गई कि कहीं भी आ जा सकता है। तो अब ये जो लाइनें बना रहे एनर्जी लेवल की, वो फिक्स ना होकर एक पर्टिकुलर रेंज में आ गई। जब ये पर्टिकुलर रेंज में आ जाएंगी तो यही लुक्स लाइक ए बैंड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द एटम्स और आइंस इन दिस सॉलिड। स्प्लिटिंग, इसी को स्प्लिटिंग कहते हैं कि स्प्लिट हो गए और इतने नियर बाई हैं कि वो ओवरलैपिंग करके दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक कंटिन्यूस टाइप का दिखाई देने लगा और उसी को हमने कह दिया कि बैंड है। जब हमने कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा रखा है, हमने कोई वोल्टेज नहीं लगा रखी है, तो हम कहते हैं कि वो वैलेंस बैंड में है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, वैलेंस बैंड में। वही एनर्जी लेवल की बजाय सॉलिड जो है, जो एक समूह के रूप में एटम्स का समूह है, उस समूह में जो एटम्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, माने हम कहते तो एटम के एनर्जी लेवल हैं बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे इन्वॉल्व इन इंटरेक्टिंग टू ईच अदर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्थिति ये हो जाती है कि कोई एनर्जी लेवल फिक्स नहीं रहता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है कंटिन्यूसली पर्टिकुलर रेंज में, तो वही बैंड वो है बैंड। बैलेंसिंग बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, चल फिर रहा है और कोई बाहरी एक्सटर्नल काम नहीं हो रहा है, तो वो बैलेंस बैंड में माना जाता है कि वो बैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं। अब अगर हम उसके क्रॉस वोल्टेज लगाते हैं तो फिर भी वो चलेगा, तो एक समूह में, ग्रुप में, ग्रुप वाली जगह में ही उसका मूवमेंट होगा, तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगा तो उनका रहेगा वो बैंड के रूप में। कंडक्शन में भी यही सिचुएशन होगी और वो कंडक्शन बैंड के साथ अटैच होगा। फॉर एग्जांपल, ये सेमीकंडक्टर है, इसके बीच में एनर्जी गैप है, तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो वो भी एक बैंड में ही जाएगा, इसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। लेकिन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। अभी तो ठीक है, आपको कहीं जाना है, यहाँ से लखनऊ जाना है, इलाहाबाद जाना है, पैसे जेब में डाल के कुछ खर्चा करना पड़ेगा तब जा पाएंगे। तो जो खर्चा करना पड़ेगा एनर्जी के रूप में, वही एनर्जी बैंड गैप कहलाता है, एनर्जी बैंड गैप। अब जिस मटेरियल का ये सेमीकंडक्टर डायोड यूज हुआ होगा, उस मटेरियल के लिए एनर्जी बैंड गैप हम निकालेंगे। हालांकि हम सेमीकंडक्टर और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली एक जो पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, उस पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करते हुए हमें जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको प्रोवाइड कराया गया है, उसमें आपको पता है कि क्या क्या चाहिए। एक सेमीकंडक्टर डायोड चाहिए, उसके सर्किट बनाने के लिए हमें उसकी सप्लाई भी चाहिए, तो बाहर उसके टर्मिनल निकाल दिए। अब चूंकि उसको हीट करके लेना है उस मेथड के अनुसार, तो एक ओवन प्रोवाइड करी जाएगी, और ओवन कैसे, इलेक्ट्रिक ओवन गर्म होती है आप जानते हैं, आपके घरों में भी है इलेक्ट्रिक ओवन, एक हीटर होता है जो घरों में जला लेते हैं, जो सभी के को उपलब्ध होता है। आप विंटर सीजन में हीटर जलाते हैं तो उसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, तो उसके अंदर एक बहुत लो टेम्परेचर देने वाले हीटिंग एलिमेंट उसके साथ प्रोवाइड कर दिया गया है, और उसको भी पावर सप्लाई से ही हीटअप करते हैं। और उसके अलावा चूंकि टेम्परेचर हमें डिफरेंट डिफरेंट पे देखनी है उसकी करंट की वैल्यू, इसके लिए एक थर्मोमीटर चाहिए, तो थर्मोमीटर उसमें होगा। हमें रटना भी नहीं पड़ेगा, अगर आपने एनर्जी बैंड गैप एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करना है कि सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करना है, तो उसके अंदर फिट होगा सेमीकंडक्टर डायोड, और उसके बियासिंग हम बाहर से, चूंकि पैनल है तो बाहर से आपको पावर सप्लाई भी नहीं लगानी, इनबिल्ट पावर सप्लाई होगी उसी बॉक्स के अंदर, जो थ्री डायमेंशनल बॉक्स
को वहाँ पर रखा होगा तो उसी में सारा अंदर सब समाये होते हैं, मीटर लगे होते हैं, आपने देखे हैं, और वहीं पर सब सर्किट जहाँ जो जोड़ना होता है उसी में जोड़ देते हैं छोटे छोटे तारों से। वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम निश्चित रूप से दिखाने जा रहे हैं आपको, उसमें देखेंगे कि जो सर्किट कम्प्लीट हो गया उसी में प्रोविज़न है कि कहाँ पे आपको थर्मोमीटर फिट करना है, वो थर्मोमीटर फिट कर दिया जाएगा, उसकी रीडिंग पढ़नी होगी और क्या करना होगा, वोल्टमीटर माइक्रोमीटर सामने है, वोल्टमीटर तो एक वैल्यू पे फिक्स कर दिया, कोई खास बात नहीं जो 82 के लिए दिया गया है, लेकिन जो माइक्रोमीटर है वो उस करेंट को नोट करेगा जो डायोड के थ्रू फ्लो कर रही होगी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी फ्लो कर रही है करेंट, 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी कर रही है वो हमें नोट करनी है, इसी तरीके से 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी फ्लो कर रही है हमें यहाँ नोट करना है, इसी तरीके से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो रही है वो भी हमें नोट करना है। निश्चित रूप से ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा करंट आएगी, कम टेम्परेचर पे कम करंट आएगी, तो एक उसका एक स्लोप टाइप का बनेगा। क्योंकि नेचर में चीज़ें मैं आपको और बहुत फंडामेंटल है, भले ही मैं एक सेंटेंस में बोले दे रहा हूँ, नेचर में ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोनेंशियली ही बढ़ती भी हैं और घटती भी हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल डिके होता है, एक्सपोनेंशियल राइज होता है, चाहे वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग पंप और कैपेसिटर हो, चाहे किसी भी मेटल के अंदर कंडक्शन करती हुई करेंट हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर के अंदर हो, थोड़ा सा टेम्परेचर में वेरिएशन से स्लो स्लो से फास्ट और फास्ट होता चला जाता है। तो अब इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आप जानते हो कि एक्सपोनेंशियल को कैसे किया जाता है, लॉग लिया जाता है, लॉग लिया जाता है, लॉग जैसे ले लोगे तो वही जो एक्सपोनेंशियल है वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देने लगेगा, इसलिए आपको जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है ओनली ड्यू टू लॉग IS वैल्यूज करेंट की। और ज़्यादातर जो है ये तो आपने 1/T × 10⁻³ का सक्सेस हो गया, इनको प्लॉट करना है, इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा आसान एक्सपेरिमेंट ये थर्ड ईयर लेवल में कोई भी नहीं है, हालांकि एनर्जी बैंड गैप निकालने का ये टू प्रोब मेथड है, और अगर पूछा जाए तो ये टू प्रोब मेथड है, इसमें दो ही टर्मिनल यूज़ करते हैं, टू प्रोब मेथड। एक दूसरा मेथड भी दूसरे एक्सपेरिमेंट में है, वो फोर प्रोब मेथड है, उसको जब हम बताएंगे तब बताएंगे। तो फोर प्रोब मेथड में हम डायरेक्टली फोर प्रोब मेथड इसीलिए नहीं बताए, पहले सरल बताएंगे फिर थोड़ा सा बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थोड़ा सा तगड़ा होगा, लेकिन वो नल डिफ्लेक्शन की डिफ्लेक्शन की स्थिति में लिया जाता है तो वो और बेटर माना जाता है। आप जानते हो जैसे पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता था नल डिफ्लेक्शन की स्थिति में रीडिंग नोट करी जाती थी तो वो एक आइडियल स्थिति बनती थी। इसलिए हम बैंड गैप के जो दो एक्सपेरिमेंट हैं उनमें से जो पहला जो सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा उसको हमने पहले डिस्कस करना जरूरी समझा। तो आप इस एंगल से फिलॉसफी के अंदाज में फिजिक्स को पढ़ना शुरू कीजिए, ये एक्सपेरिमेंट साइंस में बनाए ही इसीलिए हैं कि सब्जेक्ट की जो बेसिक्स हैं वो मोटे तरीके से दिमाग में बैठे। तो आप जो भी थ्योरी पढ़ी है, फॉर्मुलेशन कोई बड़ी बात नहीं होती है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, कुछ कंसीडरेशंस होते हैं और एक सीक्वेंस के साथ हम उसके स्टेप्स को लेकर डिराइव करते चले जाते हैं। आप एनर्जी बैंड्स को बनने को अच्छी ऑथर्स की बुक्स में अब आप पढ़ेंगे, जब मैंने बताया कि कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम किसी आइसोलेटेड एटम का जब वो समूह में होता है वो बैंड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाने लगता है, ये हमने आज आपको अलग से समझाया। जब वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, कोई उससे और कंडक्शन वगैरह नहीं कराया जा रहा है, कोई हमने बायसिंग नहीं करी है, कोई उसके अक्रॉस बैटरी नहीं अप्लाई की है या पावर सप्लाई अप्लाई नहीं की है तो कंडक्शन नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये एनर्जी कहाँ से सप्लाई होती है, ये जो आप बाहर से वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बायसिंग करते हैं उसको, वो एनर्जी सप्लाई करता है, उससे एनर्जी मिलती है।
लेकिन अगर हमने हीटअप किया है तो उसमें चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसी वोल्टेज की सेटिंग पे करंट डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। जब हमारा ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस समय ज़्यादा करंट मिल रही है, और जब कम टेम्परेचर आ रहा है तो चार्ज कैरियर्स की संख्या जो बॉन्ड्स के टूटने उठने से बनती है तो वो रिड्यूस हो जाती है, कि परमानेंटली हमने उसको बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं किया है, वो एक टेम्परेरी बॉन्ड्स की ब्रेकिंग है और उससे इलेक्ट्रॉन कुछ निकल के चले आते हैं। जहाँ तक ये पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं उनको आप जान गए हैं, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर वाले होते हैं उनमें भी यही कहानी चलती है। टेम्परेचर का इफेक्ट आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी दिखाई देगा और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी दिखाई देगा। इसको हालांकि आप डायोड वगैरह को बहुत आसानी से पढ़ते हैं, उनके डिटेल में हम नहीं गए, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें जवाब देने हैं उस अंदाज में हमने समझाया। और ये प्रैक्टिकल का पर्पज़ ही यही है, इसको हल्के में मत लीजिए। जिस फिलॉसफी के साथ हमने एनर्जी बैंड्स को बताया, जिस पर एक्सपेरिमेंट बनाए गए, दो दो एक्सपेरिमेंट थर्ड ईयर में हैं, कि एनर्जी बैंड्स को अच्छे से बच्चा समझ ले, मेरे समझ में ये बातें सफिशियंट्स हैं। और देखिए इसमें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन भी लिखे गए हैं, रिजल्ट तो आप निकालेंगे कैलकुलेशन दे के, बहुत लंबे चौड़ा फार्मूला नहीं है कि फार्मूला इसको यूज़ होना है, यहाँ पर फार्मूला यूज भी लिखना है, जो इन्होंने थ्योरी लिख के दी है। अगर इसके बियॉन्ड आप जा सकते हैं तो इसको और डिटेल में आप लिखिएगा, इसको आइडियल मत मानिए, अपने आप को आइडियल मानिए, अपने हिसाब से थ्योरी सेट कीजिए। ये हमने पहले भी कहा है कि ये जो मैनुअल है उसको आप सैम्पल मान के चलें और उससे हमें बेटर करना है। हालांकि ये बहुत अच्छे स्टूडेंट की कॉपी है, लेकिन फिर भी आप इसमें बेटर की गुंजाइश है और बेटर आप करें। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन हम इसलिए लिखवाते हैं कि जो थ्योरी हम पढ़ते हैं बुक्स में, उस थ्योरी से थोड़ा बहुत मिसमैच भी होते हैं हमारे रिजल्ट्स, तो उसके साथ हमारा कितना एग्रीमेंट है उसका डिस्कशन लिखना होता है। तो इसमें जैसे लिखा है इन्होंने, द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इतना आ गया, ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद डिस्कशन में, द वैल्यू इज लो फॉर स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ जर्मेनियम एज वेल एज सिलिकॉन बैंड गैप, जो इनकी वैल्यू 0.176 आई है, कुछ कम आई है, मैनिपुलेट नहीं किया, मैनिपुलेट करके ज़्यादा लिख सकते थे, हम लोगों ने मैनिपुलेशन को मना किया हुआ है। और जो करके हम लोगों ने जब दिखाया था एक्सपेरिमेंट, जब वो ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे, ईमानदारी से ली गई थी ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद भी जो रिजल्ट है तो उसकी वैल्यू लो आ रही है इस कॉपी में, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसका रीज़न अपने हिसाब से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दिस इज़ बिकॉज द टेम्परेचर वी कैन पोर्टिंग टू पीएन जंक्शन डायोड, जो भी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इज जस्ट इनफ टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी डोनर लेवल। आप जानते हो कि जो डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वही एनर्जी चाहिए होती है टू कंडक्शन बैंड और एन टाइप एंड पार्ट ऑफ डायोड वैलेंस बैंड टू एक्सेप्टर लेवल, जो एन साइड में है उसमें डोनर लेवल की इस्तेमाल होता है, और जो हमारा पी टाइप है उसमें एक्सेप्टर लेवल इस्तेमाल होता है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप ऑफ पिंड इज बेसिकली द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डोनर लेवल एंड कंडक्शन बैंड एज वेल एज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एंड द लो वैल्यू इज इन्फर्ड और कैन बी अंडरस्टूड, इस तरीके से लिखा है। प्रिकॉशंस तो आप जानते ही हैं कि क्या हो सकते हैं। पहला लिखा, डू नॉट एक्सीड द टेम्परेचर सो हाई टू अवॉइड हीटिंग ऑफ डायोड, पता चला कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर ना करें, पता चला परमानेंटली जो है ब्रोकन हो जाए बैंड्स और ख़राब हो जाए डायोड, तो हमें इसीलिए मैंने कहा कि 72-73 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन हमको ओवन जो है इसमें ध्यान रखना है 66-68 तक ऑफ कर देनी है, क्योंकि वो ट्रेंड 1-3 degrees तक बढ़ता हुआ जाएगा, जैसे ही वो घटने की स्थिति में है उस पर आपको नज़र रखनी होगी, उसी समय टेम्परेचर नोट करना है, फिर तो 2 degrees के डिफरेंस से नोट करना है, वो इजी वे में आप नोट करते चले जाएंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन है उसमें आपको थोड़ा सा कॉशस ज़्यादा रखना होगा। बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी
इंसर्टेड वेल इन दी ओवन, मतलब जो हमारा बहुत ध्यान से लगाएंगे, पता चला कि वो उसकी टेम्परेचर, उसको हमारा जहाँ पे डायोड लगा है उस डायोड को टच ही नहीं कर रहा हो, तो पता चला हम टेम्परेचर किसी और जगह का नोट कर रहे हैं, उस सेमीकंडक्टर डायोड की जो साइट है वहाँ पे नोट नहीं कर रहे हैं। तो थर्मोमीटर की सेटिंग और अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग्स ऑफ करेंट एंड टेम्परेचर मस्ट बी टेकन साइमल्टेनियसली, एक साइमल्टेनियसली लिखने को लिख दिया है, ये तो हमने ओरली आपको बता ही दिया था कि आपने पहली रीडिंग से लेकर लास्ट तक ये टेम्परेचर डिफरेंस जो 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 टेम्परेचर वाली रीडिंग्स हैं वो आप पहले से लिखेंगे, तो आपको दो जगह ध्यान नहीं बटेगा। टेम्परेचर लिखने में आपका ध्यान नहीं होगा, टेम्परेचर जो ध्यान आपको पता है कि जितना आ गया उसी के सामने सिर्फ आपको करेंट लिखनी होगी। शुरुआत में बहुत फास्ट मतलब डाउन होती है, ये हमने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, इसको हम लैब में करके अब बताएंगे। उससे रिलेटेड जो डिटेल थ्योरी है वो अब आपको स्वयं पढ़नी है, अपने अपने हिसाब से अपनी योग्यता के हिसाब से कॉपी बनानी है और समझते हुए कॉपी बनानी है, ताकि एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा वाइवा के लिए भी ना पढ़ना पड़े। थर्ड ईयर है, पोस्ट ग्रेजुएट यूजी लेवल की हाईएस्ट क्लास है, इसके आगे और क्लास यूजी में नहीं होती है, तो आपको बहुत ही समझदार होना चाहिए। मेरे हिसाब से ख़त्म हुआ सारा बताना, जो कुछ बचेगा आप कमेंट बॉक्स में जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर लिख दीजिएगा, तो बचे हुए पॉइंट्स हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे उसके आगे वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी